हेलो एवरीवन, वेलकम टू SS प्लेटफॉर्म। सो आई विल डिस्कस अबाउट SRB नेट एग्जाम 2021। सो इस वीडियो में आपका पार्ट टू डिस्कस करेंगे। आपकी जो पार्ट फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने 75% डिस्कस करे थे आपके। सो नेक्स्ट उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपके 150 क्वेश्चंस तक आपके 76 से लेकर 150 क्वेश्चंस तक आपके पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 76 कहता है लो एथिलीन प्रोडक्शन वेजिटेबल्स क्रॉप। तो आपकी लो एथिलीन प्रोडक्शन क्रॉप्स कौन सी है? तो आपकी राइट आंसर था इसमें मोरिंगा। मोरिंगा एक आपकी लो एथिलीन प्रोडक्शन वेजिटेबल्स है जो आपकी कम से कम एथिलीन प्रोड्यूस करती है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है आपका विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी इन पोटैटो। पोटैटो में डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है? सो आपका राइट आंसर था थायूरिया। थायूरिया का 1% जो है इसमें यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 कहता है आपका ग्वार गम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच बीन। सो आपका ग्वार गम है किस बीन से एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है? सो आपका राइट आंसर था इसमें क्लस्टर बीन। सो नेक्स्ट है आपका 79 क्वेश्चन नंबर 79 कहता है वेट सीड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम राइप फ्रूट इज कमर्शियली यूज्ड इन। सो आपका राइट आंसर था इसमें बीटर गार्ड। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएट विद एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। सो आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करता है? सो आपका राइट आंसर है एपेडा। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 कहता है विच मार्कर इज नॉट PCR बेस्ड। सो आपका कौन सा मार्कर PCR बेस्ड नहीं है? सो आपका राइट आंसर था RFLP। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कुक्यूम्बर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। सो आपका कौन सा कुक्यूम्बर जो है आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता? सो आपका राइट आंसर है पूसा सीडलेस। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल हैज़ हार्डेस्ट इन नेचर। सो आपका कौन से वेजिटेबल का हार्डेस्ट नेचर होता है? सो आपका राइट आंसर था इसमें केल। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 कहता है आपका फर्मनेस असेसमेंट मेजर्ड। सो आपका फर्मनेस मेजरमेंट मेजर किया जाता है? सो आपका राइट आंसर था इसमें पिनेट्रोमीटर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कहता है आपका पोड मेचोरिटी ओ पीज मेजर्ड बाई। आपकी पीज में पोड की मेचोरिटी किससे मेजर की जाती है? सो आपका राइट आंसर था टेंड्रोमीटर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 टोमेटो येलो लीफ रेजिस्टेंट सोर्स ऑफ TY2 जीनीज। टोमेटो में जो TY2 जीन होता है वो किसके लिए रेजिस्टेंस होता है? सो रेजिस्टेंस जो है येलो लीफ कर्ल के लिए जो रेजिस्टेंस है उसमें TY2 जीन इन टोमेटो में जो जीन है सो उसकी जो आपकी वैरायटी है सो एच हेब्रोसाइटस। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87 है प्रोटीन रिच पोटैटो इज डेवलप्ड बाई यूजिंग। सो राइट आंसर था आपका AM1 जीन। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इंक्रीज ड्यूरिंग बोल्टिंग। तो आपका बोल्टिंग को कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है? सो आपका राइट आंसर था J3 जिब्रेलिक एसिड। क्या था बच्चों? जिब्रेलिक एसिड। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोजोम नंबर इज प्रेजेंट इन। सो आपका हाइड्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम नंबर किस में प्रेजेंट होते हैं? सो आपका राइट आंसर था आईवी गार्ड। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 था आपका जेलोपिनो पेपर बिलोंग्स टू। सो आपका जेलोपिनो पेपर किससे बिलोंग करता है? सबका कैप्सिकम एनम। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन के रिच सोर्स के लिए कौन सी वेजिटेबल जो आपकी पेपर होती है? सो आपका राइट आंसर था ओकरा। जो आपकी ओकरा है उसमें जो रिच सोर्स होती है आयोडीन के लिए। सो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92 CFTRI इज लोकेटेड इन। आपकी CFTRI कहाँ पे है? आपकी मैसूर में।
सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 93 आता है बल्ब सेट प्लांटिंग इज डन फॉर, बल्ब सेट प्लांटिंग इज डन फॉर। सो आपका राइट आंसर था इसमें खरीफ सीजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 विपटेल इज रिफ्रेश टू, विपटेल इज रेफर्स टू, विपटेल जो आपका कॉलीफ्लावर में एक रोग रहता है तो इसके जो लक्षण होते हैं सिम्टम्स होते हैं किस प्रकार दिखाई पड़ते हैं प्लांट्स में। सो आपकी जो लीफ ब्लेड होता है लीफ ब्लेड नॉट डेवलप प्रॉपरली, तो आपका लीफ ब्लेड होता है वो प्रॉपर तरीके से इस शेप का हो जाता है, ये आपका जो लीफ ब्लेड होता है इस संकरी टाइप से हो जाता है। सो आपका प्रॉपर तरीके से जो होता है डेवलप नहीं हो पाता। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी ट्रांसपेरेंट। सो आपका एंटी ट्रांसपेरेंट कौन सा है इनमें, सो आपका राइट आंसर था इसमें पीएमए। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96 था आपका ट्रस हुकिंग प्रैक्टिकल्स इज अप्लाइड इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ट्रस हुकिंग प्रैक्टिस इज अप्लाइड इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ। सो किस क्रॉप्स में की जाती है ट्रस हुकिंग प्रैक्टिस, तो आपकी राइट आंसर था टोमेटो। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97 टर्निंग ऑफ वाइन इज डन इन। सो आपका किस में होती है टर्निंग ऑफ वाइन इज डन इन किस में होती है, सो आपका राइट आंसर था इसमें स्वीट पोटैटो या शकरकंद। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 कहता है आपका स्प्राउट इनहिबिटर्स इज कमर्शियली यूज इन पोटैटो। सो पोटैटो में जो स्प्राउटिंग के लिए स्प्राउट इनहिबिटर्स यूज किया जाता है, सो आपका सी आई पी ई। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रॉपिकल क्रोट कैरोट हाइब्रिड, तो इसमें कौन सी एक ट्रॉपिकल कैरोट हाइब्रिड है। सो राइट आंसर था आपका पूसा वसुधा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 कहता है आपका सिंगल सीड, ये आपका सीड है, टाइपिंग मिस्टेक है सॉरी, सिंगल सीड डिसेंट मेथड इज कमर्शियली यूटिलाइज इन। सो आपका सिंगल सीड डिसेंट मेथड किसमें यूटिलाइज होता है। सो आपका राइट आंसर इसमें टोमेटो। देखिए टोमेटो से काफ़ी क्वेश्चन आपके आए इस बार, सो आपको टोमेटो क्रॉप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 101 मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ एलिफेंट फुटिया में मैच्योरिटी इंडेक्स किस प्रकार नापते हैं। सो येलोविंग एंड ड्राइंग ऑफ लीव्स। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102 है आपका विच वैरायटी ऑफ टोमेटो इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन रेनफेड एरियाज में कौन सी टोमेटो की वैरायटी सुटेबल रहती है। सो आपकी अर्का मेगाली है एक वैरायटी है जो आपकी रेनफेड एरियाज में भी प्रॉपर तरीके से कल्टीवेटेड की जा सकती है। सो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 आपका इंटरमीडिएट आर डिस्कार्डेड एंड एक्सट्रीम क्लासेस आर सिलेक्टेड इन सिलेक्शन। सो आपका राइट आंसर था डिस्क्रिप्टिव सिलेक्शन। सो आपका नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 था आपका ओरिजिन पैलेस ऑफ पॉइंटेड गार्ड का ओरिजिन पैलेस पूछ रहा था। सो आपका राइट आंसर था इसमें इंडिया। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है हाउ मैनी पेटल्स आर प्रेजेंट इन कॉलीफ्लावर में कितने पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। सो आपका राइट आंसर था फोर पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 था वन ग्राम सीड ऑफ कॉलीफ्लावर इज कंसिस्ट ऑफ। सो आपके 1 ग्राम सीड से कितने सीड्स प्राप्त हो सकते हैं आपके कॉलीफ्लावर में। सो आपका राइट आंसर था 250 to 350 ग्राम सीड। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है इंडिविजुअल वेट ऑफ स्पाइन गार्ड फ्रूट का कितना वेट होता है। सो आपका राइट आंसर था 5 to 20 ग्राम्स। सो नेक्स्ट आपका 108 फैमिली ऑफ एस्पेरेगस की फैमिली पूछ रहा था। सो आपकी फैमिली थी एस्पेरेगस की लिली एसी, क्या थे बच्चों लिली एसी। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है आपका कोक्सीनिया एग्जिबिट ये आपका डायोसी एंड पार्थिनोकार्पी प्रकार है। कोक्सीनिया में क्या होता है आपका डायोसी एंड पार्थिनोकार्पी। सो नेक्स्ट आपका 110 यानी कि आपका 110वां क्वेश्चन है कैरोटीन रिच वैरायटी कैरोरेड इज रिलेटेड टू सोलेनेसिस क्रॉप। सो आपकी किस क्रॉप से रिलेटेड है कैरोरेड, सो आपकी टोमेटो क्रॉप की एक वैरायटी है।
सो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 111, यानी कि आपका 111 नंबर क्वेश्चन है। हाइपोबैरिक हाइपोबैरिक स्टोरेज रेफर्स टू हाइपोबैरिक स्टोरेज रेफर्स टू सो आपका राइट आंसर था इसमें पार्टियल वैक्यूम, पार्टियल वैक्यूम। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 112 112 है आपका हेड कलर ऑफ पाम विक्टीरिया, हेड कलर ऑफ पाम विक्टीरिया। सो राइट आंसर था आपका पर्पल। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 113 सीड सर्टिफिकेशन इंडिया, सीड सर्टिफिकेशन इन इंडिया, यानी किस प्रकार का सीड सर्टिफिकेशन होता है। सो आपका वॉलेंट्री टाइप, किस प्रकार होता है, वॉलेंट्री टाइप, ये स्वैच्छिक, स्वैच्छिक प्रकार से आपका सीड सर्टिफिकेशन होता है इंडिया में। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 114 114 कहता है आपका ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू ऑक्यूरेंस ऑफ, पोटैटो में जो ग्रीनिंग होता है वो उस किस कारण होती है। सो आपका एक्सपोजर ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के एक्सपोजर के कारण आपके पोटैटो में क्या होता है, ग्रीनिंग, पोटैटो में क्या हो जाती है, ग्रीनिंग। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 115 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एबायोटिक, सो आपकी एबायोटिक कंडीशन कौन सी होती है, साल्टी सोइल। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 116 116 फोटो इनसेंसिटिव, फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी ऑफ टोमेटो, सो टोमेटो की जो फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी है कौन सी है, सो आपकी पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार कैसी वैरायटी है, आपकी फोटो इनसेंसिटिव। सो नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड टोमेटो, हाइब्रिड टोमेटो की जो सीड रेट रखते हैं आपकी 100 से 150 ग्राम। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 118 118 कहता है आपका द रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, फील्ड हीट को जो रिमूवल करने के लिए प्रोड्यूस इज कॉल्ड, सो आपको आपकी जो फील्ड हीट होती है उसको रिमूवल करने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं आपका, प्री कूलिंग, क्या कहते हैं बच्चों, प्री कूलिंग। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 119 पेरियंथ टाइप फ्लावर, पेरियंथ टाइप फ्लावर फाउंड इन, सो आपके पेरियंथ टाइप फ्लावर किस में पाए जाते हैं, आपके बल्ब क्रॉप्स, जो आपकी बल्ब क्रॉप होती है, जैसे आपकी बल्ब क्रॉप में आपकी ओनियन आ जाती है, जो ऑनियन जैसी ग्रोप होती है, सो पेरियंथ टाइप के क्या होते हैं, फ्लोवर होते हैं। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 120 विच पेस्ट ऑफ पोटैटो, विच पेस्ट ऑफ पोटैटो इज इफेक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, तो स्टोरेज के समय कौन सा पोटैटो में कौन सा पेस्ट इफेक्ट करता है पोटैटो को, सो आपका पोटैटो ट्यूबर मोथ, कौन सा करता है, पोटैटो ट्यूबर मोथ। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 121 121 कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज़ डिग्रेडेड ड्यूरिंग कुकिंग, तो आपकी जब आप कुकिंग करते हैं, कुकिंग यानी खाना बनाते समय कौन सी वेजिटेबल से कौन सी प्रोटीन्स जो है या विटामिन जो है आपकी नष्ट हो जाती है, सो आपकी विटामिन सी आपकी ऐसी विटामिन्स हैं, विटामिन है जो आपकी कुकिंग के समय वेजिटेबल को आप कुकिंग करते हैं तो आपकी विटामिन सी क्या होती है, नष्ट हो जाती है, तो इसलिए आप विटामिन सी लेने के लिए कच्ची सब्जियाँ खानी चाहिए। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 122 फ्लेवोनोइड, फ्लेवोनोइड प्रेजेंट इन ओनियन इस, सो आपका फ्लेवोनोइड प्रेजेंट होता है ओनियन में किस प्रकार, सो आपका राइट आंसर था क्यूरेसेटिन, क्या है, क्यूरेसेटिन। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 123 द मैक्सिमम पंजेंसी इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ चिली, तो आपके जो चिली का किस पार्ट में सबसे अधिक पंजेंसी होती है, सबसे अधिक चरपराहट होती है, सो आपका राइट आंसर था इसमें प्लेसेंटा, क्या था, प्लेसेंटा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 124 124 कहता है ट्राइप्सिन इनहिबिटर्स इज प्रेजेंट इन, सो इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं आपके बीन्स में, किस में होते हैं, बीन्स में। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 125 125 क्वेश्चन है गाइनोसियस लाइन इन बीटर गार्ड इज मेंटेन बाय यूजिंग, सो आपकी गाइनोसियस लाइन मेंटेन करने के लिए बीटर गार्ड में किसका यूज़ करते हैं, AgNO3। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 126 हाफ स्लिप स्टेज इज यूज फॉर जजिंग द मेच्योरिटी ऑफ, तो आपकी हाफ स्लिप स्टेज जो जज करने के लिए, मेच्योरिटी को जज करने के लिए किस में होती है, सो आपकी मस्कमेलन में। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 127 एथिलीन एब्जॉर्बर निम्न में से कौन सा है, सो आपका राइट आंसर था इसमें K1O4। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 128 टोमेटो इज हार्वेस्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट एट, तो आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट के लिए टोमेटो हार्वेस्ट करना है तो आप किस स्टेज पर करोगे, आपके ग्रीन स्टेज, सो आपकी जो ग्रीन मैच्योर स्टेज होती है उस पर आप टोमेटो को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट आपका दियारा कल्टीवेशन,
ध्यारा कल्टीवेशन इज सुटेबल फॉर, सो आपकी जो ध्यारा कल्टीवेशन किसके लिए सुटेबल होती है, आपकी कुकुरबिट्स के लिए। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 कहता है आपका मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ कुकुम्बर इज, सो आपकी मल्टीपल रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ कुकुम्बर की कौन सी है, पॉइंट सेट। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 131 है आपका राइपनिंग म्यूटेंट इन टोमेटो। सो ये आपका फर्स्ट पहली बार देखने को मिला है जो एक टोमेटो का एक म्यूटेंट राइपनिंग के लिए म्यूटेंट्स जीन होता है। सो ये पहली बार ही आपको देखने को मिला है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो म्यूटेंट इन टोमेटो, टोमेटो में कौन सा म्यूटेंट होता है आपका, रिन, RINNORNR, सो RINNORNR। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132, 132 क्वेश्चन देख लेते हैं, सेल्फिंग एंड मैसिंग टेक्निक इज एसोसिएटेड विद, सो आपकी जो सेल्फिंग एंड मैसिंग टेक्निक होती है किससे रिलेटेड है, सो आपकी ओनियन से। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 133, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन ओनियन, ओनियन में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कितने परसेंट होता है आपका, सो आपका 30-50%। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134, इनेशियन लीफ कर्ल वायरस इज अफेक्टेड इन, सो आपका जो इनेशियन लीफ वायरस अफेक्टेड करता है किस क्रॉप को करता है आपका, ओकरा, कौन से क्रॉप को करता है, ओकरा को। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 कहता है विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सेंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबल होता है, सो आपका राइट आंसर है जिंक, राइट आंसर आपका जिंक। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 कहता है ब्लैक कलर वैरायटी ऑफ कैरेट, सो आपकी जो ब्लैक कैरेट वैरायटी कैरेट की कौन सी है, सो आपका पूसा असीता, पूसा असीता कैसी वैरायटी है, ब्लैक कैरेट वैरायटी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137, फेवरेबल टेम्परेचर फॉर कर्ड इनिशिएशन इन स्नोबॉल कॉलीफ्लावर, सो आपकी जो स्नोबॉल कॉलीफ्लावर होती है कर्ड के इनिशिएशन के लिए टेम्परेचर कितना रहता है, सो आपका 10-16 डिग्री सेंटीग्रेड। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 138, क्रायो प्रिवेशन टेम्परेचर इज, सो क्रायोप्रिवेशन के लिए टेम्परेचर कितना होता है आपका, 196 डिग्री सेंटीग्रेड। सो नेक्स्ट आपका बोटेनिकल नेम ऑफ इंडियन स्पेनिच, सो इंडियन स्पेनिच का बोटेनिकल नेम क्या है आपका, बेसेला रूब्रा, क्या है आपका, बेसेला रूब्रा। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 140, 140वां नंबर क्वेश्चन है, सो आपका क्वेश्चन है पुअर फ्रूट सेट इन टोमेटो एट, तो टोमेटो में पुअर फ्रूट सेट्स के लिए कितना टेम्परेचर था, बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 141 कहता है कैल्शियम ऑक्सीलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरीगेशन इन, सो आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट जो रिस्पॉन्सिबल होता है इरीगेशन इन किस में होता है आपका, तारो एक वेजिटेबल्स क्रॉप से। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइदर ग्रोथ प्रोमोटर नोर रिटार्डेंट, ना तो एक ग्रोथ प्रोमोटर है और ना ही एक रिटार्डेंट है, सो आपका इसमें ऑप्शन था LR, एक ना ही तो एक ग्रोथ प्रोमोटर है ना ही एक रिटार्डेंट है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 143 कहता है हाउ मैनी डेज टेकन टू हार्वेस्ट ऑफ फ्रूट इन ब्रिंजल आफ्टर पोलिनेशन, सो आपके जो फ्रूट को कितने दिनों बाद ब्रिंजल के फ्रूट को हार्वेस्ट किया जाता है, सो ये क्वेश्चन आपका आपके लिए हमने रखा गया है, इसलिए हमने इसका आंसर नहीं दिया है। सो आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़कर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा, आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आपका 143 ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 144 कहता है बोटेनिकल नेम ऑफ स्वार्ड बीन, सो आपका राइट आंसर होगा कैनावेलिया ग्लेडिएट। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 145 कहता है लिटिल गार्ड इज ए, सो आप लिटिल गार्ड कौन सा है इनमें, डायोसियस, लिटिल गार्ड क्या होता है, डायोसिस फॉर्म होता है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 140, फ्लोवरिंग हार्मोन इज कॉल्ड एज, सो कौन सा फ्लोवरिंग हार्मोन होता है, फ्लोरिजिन, कौन सा होता है, फ्लोरिजिन। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर
147 क्वेश्चन नंबर 147 इन टोमेटो, टोमेटो में जीनोम सीक्वेंसिंग डन बाय इंडिया इन टोमेटो जीनोम ऑन क्रोमोसोम। सो जो टोमेटो में जीनोम सीक्वेंसिंग डन की जाती है इंडिया में, तो उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? सो आपके 5 क्रोमोसोम। राइट आंसर इसमें 5। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148, टेट्राप्लॉइड स्पीसीज ऑफ अमरेंथस, अमरेंथस की टेट्राप्लॉइड स्पीसीज कौन सी है? सो आपकी अमरेंथस डूबियस। सो आपकी जो अमरेंथस डूबियस क्रॉप है, ये आपकी किस प्रकार की क्रॉप है? टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है। सो आज के लिए इतना ही, आपके हम 140 क्वेश्चन जो है आपके डिस्कस करा दिए हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो है बहुत ही ये क्वेश्चन जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।